प्रथम तहलका न्यूज। यमुनानगर में वायु प्रदूषण ना हो इसके लिए अभी से प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि सरकार के जो दावे थे वह तो खोखले साबित हो रहे हैं, लेकिन किसान खेतों में दिन रात पराली जला रहे हैं और आसमां भी अभी से धुएं के रंग में रंगना शुरू हो गया है। हालांकि इस धुएं का असर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इन बड़े शहरों की तुलना में अगर बात यमुनानगर की करें तो यमुनानगर भी पीछे नहीं है। हजारों की तादाद में यहाँ पर फैक्ट्रियां होने के कारण यहाँ की वायु भी इन दिनों जहरीली होती जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी से इसका उपाय करना शुरू कर दिया है और ऐसे में प्रशासन के आदेश के बाद फायर कर्मचारी शहर में लगे हुए पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि वायु शुद्ध रहे और पेड़ बराबर ऑक्सीजन छोड़ते रहें। वहीं यहां जिस जगह छिड़काव हो रहा है उस इलाके में बिजली की तारों पर पानी ना जाए, इसके लिए बिजली बोर्ड को भी इस अभियान के साथ जोड़ा गया है। सर, ऐसा है कि यमुनानगर में जो प्रदूषण लेवल है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिसको कम करने के लिए प्रशासन है जो है वो पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव के लिए आदेश, हमारे बिजली विभाग की तरफ से भी आदेश आया है कि जहाँ जहाँ पर भी पानी का छिड़काव हो रहा है तो बिजली विभाग की टीम भी उनके साथ साथ चलेगी और कोई दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए जो भी उधर से लाइनें बिजली की गुजर रही है वो लाइनें हमने बंद करवा दी। और इसके बाद साथ साथ चालू करवा देंगे? नहीं सर, जब तक ये पूरा काम देगा, जब तक उस लाइन पे काम चलेगा, जब तक वो पानी छिड़क रहा है तब तक वो लाइन चालू नहीं, जैसे उस लाइन पे वो काम पूरा हो जाएगा। दरअसल खेतों में जलने वाली पराली के कारण प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पहाड़ों के साथ लगते यमुनानगर की वायु भी प्रदूषित हो रही है, लेकिन इस पर प्रशासन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।